मुंबई में अगले कुछ घंटों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अंधेरी बोरीवली में भरा पानी। मुंबई पर मंडराया बाढ़ का संकट। 17 से 19 जुलाई के बीच रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावना। अलर्ट पर बीएमसी की टीम। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए सामने। महायुति के सभी 9 उम्मीदवार जीते। वहीं महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवारों में से 2 की जीत। उद्धव गुट के मिलन नार्वेकर की जीत। पवार गुट के जयंत पाटिल की हार। कांग्रेस के 7 मत कैसे फूटे, इस पर कांग्रेस करेगी विचार। विधान परिषद चुनाव में अजीत पवार ने मारी बाजी। अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताया। अन्य के 5 और कांग्रेस के 7 मत फूटने की चर्चा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बड़ी जीत पर देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया। जीत के बाद के एक सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एक वीडियो को शेयर करते हुए बधाई दी। सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कर सकेंगे वरिष्ठ नागरिक। शिंदे सरकार ने दी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को मंजूरी। 30,000 तक का मिलेगा लाभ। महाराष्ट्र में स्कूलों के पास नहीं बिकेंगे अधिक कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक। मंत्री आत्राराम ने किया ऐलान। पूजा खेडकर के फर्जीवाड़े का खुलेगा राज। सरकार ने बिठाई जांच। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधे। बड़ी बड़ी हस्तियां रही मौजूद। अनंत और राधिका की शादी में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, प्रियंका, माधुरी समेत कई बॉलीवुड सितारे रहे मौजूद। अनंत राधिका की शादी में मुकेश अंबानी ने खर्च कर दिए 5,000 करोड़। 7 लाख का है एक वेडिंग कार्ड। बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी से मुंबई आने वाले यात्री ध्यान दें। दर्जनों ट्रेनें कैंसिल। यात्रा करने से पहले देखें शेड्यूल। मुंबई बना टीबी की बीमारी का हब। 27% मरीज अकेले मुंबई में पाए गए। ममता ने उद्धव के बाद मुंबई दौरे के दौरान शरद पवार से की मुलाकात। ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, शुरू हो गया खेला। मुलाकात के बाद बोली बनर्जी। सूरत में 10 वैकेंसी के लिए पहुंचे 1800 लोग। बेरोजगारी की बीमारी, भारत में महामारी, राहुल गांधी ने किया तंज। मुंबई की बारिश ने रद्द की कई उड़ानें। इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। एनसीपी विधायक नवाब मलिक को बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 हफ्ते के जमानत पर बाहर। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन। सुधारी जाएगी 2000 कंपनियों की हालत। अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन से थे बीमार। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में नहीं गए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। ऐसे दिन लगी थी इमरजेंसी। रेलवे में 11,255 पदों पर बंपर भर्ती। 10वीं और 12वीं पास के लिए मौका, जल्द करें आवेदन। कल्याण श्री फाटा मंदिर में पुजारी समेत 3 लोगों ने 30 वर्षीय महिला को नशीली पदार्थ पिलाकर किया सामूहिक बलात्कार। मुंबई में सोने के दामों में उछाल। सोना 73,750 रुपए तोला, वही चांदी 95,500 रुपए किलो। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को किया रद्द।